तो बच्चों हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो इसका सेकंड पार्ट का जो डायग्राम है वो मैंने बना लिया है और मुझे ये प्रूव करना है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है बच्चों। देखो मुझे ये प्रूव करना है, अब ध्यान से देखो। ओ ए ओ बी ओ सी ओ ए ओ बी ओ सी, इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो लेते हैं भाई इन ट्रायंगल ए ओ एफ, ए ओ एफ पहले वाला ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर। ये मेरी पहली इक्वेशन है। अब मैं लेता हूँ दूसरा वाला ट्रायंगल, बी ओ डी वाला ट्रायंगल लेता हूँ, क्योंकि सेकंड इन ट्रायंगल बी ओ डी। अब बी ओ डी लेता हूँ, बी ओ डी देखो जो जो यहाँ पर है ना बी ओ, तो बी ओ डी लेना पड़ेगा। तो देखो बी ओ डी लेता हूँ तो ये हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब मैं पेज ले लेता हूँ एक, और लास्ट में देखो ओ सी। अब ओ सी है तो ओ सी, अब मैं ओ सी है ना यहाँ पर लास्ट वाले पे, तो ओ ओ ई सी ले लेता हूँ। ओ सॉरी इन ट्राइंगल सी ओ ई ले लेता हूँ ना, सी ओ ई ट्राइंगल लेता हूँ। तो देखो ओ सी का स्क्वायर इक्वल्स टू सी ई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर। देख लो यहाँ पर से डायग्राम में दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। अब देखो ये है मेरी थर्ड इक्वेशन, और फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को मैं ऐड कर लेता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत इजी था। तो देखो ओ ए का ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर आप ऐड करोगे तो यही आएगा, करके देखो आप, ठीक है। ओ एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर, ठीक है भाई यही आने वाला है। तो ये मेरा पहला तो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ है ना जी। अच्छा जी अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट है ये। अब देखो देखो जो जो है ना वही वही उसी उसी को पकड़ो, फालतू की चीजें मत करना, जो जो है उसको पकड़ लो बस। तो देखो अब मुझे इसी से ना वो सेकंड वाला लाना है, इसी से मुझे सेकंड वाला लाना है। अब देखो ए एफ बी डी सी, तो जो ए एफ बी डी और सी, इसको मैं इधर फेंक देता हूँ, इन सबको मैं इधर फेंक देता हूँ। तो यही इक्वेशन लेता हूँ मैं। तो देखो ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर ले लिया और इन सबको इधर फेंक दिया। तो देखो ये हो जाएगा, मैं इसको काट देता हूँ, ए बी बी डी और सी एफ, सॉरी कहाँ गया वो, सी एफ सी एफ सी एफ सी एफ सी एफ कहाँ चले गया, गलत तो नहीं कर दिया। ए एफ 1 2 3 4 5 6, 4 5 6 ओ एफ का स्क्वायर है, ओ ई का स्क्वायर है, ठीक है। सी ये है सी एफ, सॉरी ये है सी एफ सी एफ, ठीक है भाई। तो अब जो जो मैंने ले लिया ना, जो जो मैंने इधर इधर ले लिया, क्योंकि मुझे ये चाहिए था ना सेकंड पार्ट ही बनाना है मुझे। कहाँ गया वो सेकंड पार्ट, वो सेकंड पार्ट मुझे प्रूफ करना है, ये है वो सेकंड पार्ट, ये प्रूफ करना है मुझे। तो देखो ये देखो ये प्रूफ करना है मुझे। तो ए एफ मैंने इस वाले इक्वेशन जो मेरे को अभी आई ना फर्स्ट वाले आंसर से, मैंने उसको इधर फेंक दिया, जो मैंने इधर फेंक दिया तो मैं इन सबको इधर फेंक दूंगा, है ना। तो ये ओ एफ बच गया, ओ डी बच गया, ओ ई का होल स्क्वायर बच गया, इन सबको मैं इधर फेंकूंगा, माइनस ओ ए का होल स्क्वायर माइनस ओ बी का होल स्क्वायर माइनस ओ सी का होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये सब हो गया, अब इतना हो गया भाई। अब मैंने लेना है ए ट्राइंगल बी ओ बी इन, अब मैं लेता हूँ इन ट्राइंगल बी ओ सी, अब बी बी ओ एफ लेता हूँ मैं, बी ओ एफ लेता हूँ। देखो बी ओ और एफ ये वाला लेता हूँ, क्योंकि मुझे ना यहाँ से ना कुछ माइनस करना है, ओ एफ हटा दूंगा, ये चीज़ हटा दूंगा, इसलिए मैंने ये कर रहा है। तो देखो बी ओ एफ करता हूँ तो वही हो जाएगा बी एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर। मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा ऐसे ही मैं सी ओ डी का भी लिखता हूँ, सी सी ओ डी इन ट्राइंगल सी ओ डी। तो ये हो जाएगा बच्चों देखो डी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ मैं, ये वाला डी सी ओ डी। तो मैं ना इसमें सिर्फ क्या ले रहा हूँ पता है आपको, इसमें सिर्फ मैं ना इसमें सिर्फ मैं बेस बेस ले रहा हूँ, बेस बेस ले रहा हूँ और हाइपोटेनस को उधर फेंक दे रहा हूँ, तब ये माइनस हो रहा है। देखो बेस बेस ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे ये हटाने ना, ये इधर से जो ये आंसर आया ना मेरे अभी पीछे, उसको मुझे हटाना पड़ेगा ना।
इसलिए मुझे वही लाना है, वो तो लाने वाली बात है ना वो। अब मैं लेता हूँ इन ट्राइंगल ए ओ ई, तो देखो इन ट्राइंगल ए ओ, इन ट्राइंगल ए ओ ई लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा ए ई का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर। अब इन सबको अगर मैं ऐड कर दूंगा तीनों को, ये जो मेरे 4, 5 और 6 थे, तो 5 था ये, इन सबको मैं ऐड कर दूंगा जो आपने लिखा हुआ होगा। देखो इसको इसको, और देखो पहले इसको इसको और इसको ऐड कर लो। अब देखो क्या आएगा, ये आएगा ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू एफ बी का स्क्वायर प्लस सी सॉरी डी सी का स्क्वायर प्लस ई ए का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ये मेरा आ गया, अब ध्यान से देखो ये मेरा आ चुका है, और इसको देखो ये देखो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ना, लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल राइट लेफ्ट वाले के साथ, लेफ्ट वाले के साथ जैसा ही है। ये देखो इसको देखो और इसको देखो, अब इसके जगह मैं ये लिख सकता हूँ, बस हो गया आंसर मेरा। तो ये हो गया मेरा, तो भाई बिल्कुल देखो ये बिल्कुल वैसे ही आ गया, तो यही तो मुझे प्रूफ करना था, और ये प्रूफ करना था तो ये हो गया हैंड्स प्रूफ। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है भाई। अब हम करते हैं इसका इसी इसी वीडियोस में मैं इसमें ऐड कर देता हूँ 24th क्वेश्चन करते हैं। तो भाई 24th क्वेश्चन डायग्राम मैंने यहाँ बना लिया है, ठीक है भाई, और मुझे ये प्रूफ करना है। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है हमेशा। तो मैंने क्या किया, ज्वाइन एसी, एसी को ज्वाइन कर दिया, ये था नहीं है, मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब मैं एक ट्राइंगल, देखो यहाँ पर देखो एसी है और बीसी है, तो मैं देखो मुझे इतना तो पता चलेगा कि भाई मैं ये वाला हाइपोटेनियस का ले लेता हूँ और एक ये भी लेना पड़ेगा, है ना। तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी मैं लेता हूँ, और अगर मैं ए बी सी ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना। ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। और अब मैं लेता हूँ ए सी डी ले लेता हूँ, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी तो ए सी डी का होगा मेरा ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो एग्जैक्टली मेरा आंसर आ जाएगा, बहुत ही ईजी है ये। तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, तो ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। अब बच्चों ये देखो ए सी ए सी तो ये हो जाएगा 2AC का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब एग्जैक्टली वही मेरा आंसर आ चुका है। तो ध्यान से देखिए, तो देखो ये आंसर आ गया। अब ये BC था, BC को मैं इधर फेंक दूंगा तो ये माइनस BC हो जाएगा, और ये एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, और यही तो मुझे चाहिए था। देखो ये मेरा आंसर आ गया, तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। अब हम चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि इजी इजी है, वो भी इजी ही है, ज्यादा टफ नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, खत्म करते हैं। तो हेलो बच्चों, अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का 25th क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो बच्चों ये क्वेश्चन काफी इजी है, बस मुझे ये प्रूफ करना है, और मुझे डायग्राम गिवन नहीं है, मैंने बना लिया है। देखो डायग्राम में ये बोल रहा है कि ए बी सी एक ट्राइंगल था जिसमें से डी एक पॉइंट है ए बी पे, जो कि प्रोड्यूस है आगे, है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट है डी, जो कि मैंने इसे डॉटेड लाइन से बनाया है, यहाँ पे एक ऐसा कर कर है, और मुझे यह प्रूफ करना है। तो भाई देखो बी डी सी है और बी डी है ना। तो डी सी है इसका मतलब डी सी, डी सी मतलब ये पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, और बी डी है, बी डी है ये बी डी है। तो इसमें अब क्या करना पड़ेगा, पहले ये देख लेते हैं। चलो भाई इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी ले लिया मैंने, ए सी और डी ये पूरा है ना। तो ये जो डी सी का स्क्वायर होगा वो होगा ए सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, है ना भाई। अब ध्यान से देखो ये जो ए डी है ना, ए डी है, ए डी के जगह मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी डी, बस यही तो करना है, ए बी प्लस बी डी। तो देखो डी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए डी के जगह लिख सकता हूँ मैं ए बी प्लस बी डी, है ना भाई। अब इसको खोल देता हूँ, तो डी सी का स्क्वायर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर प्लस 2AB BD, और सॉरी बी सी लिख दिया मैंने, बी डी लिखना था, ठीक है बी डी ये लिख लिया। अब ध्यान से देखिए मुझे चाहिए क्या, देखो
बी सी है, डी सी है और यहाँ पर माइनस बी डी है, तो बी डी को मैं इधर फेंक देता हूँ, तो ये हो जाएगा डी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का होल स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी बी डी। अच्छा जी, अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, लगभग लगभग ये हो ही गया, हो ही गया ये। देखो अब देखो, ए सी लिखा मैंने, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो ए बी कॉमन है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, प्लस ए बी को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मेरा ए बी प्लस, ए बी प्लस टू बी डी, है ना, यही हो जाएगा। ठीक है जी, और ए सी और ए बी, ए सी ए बी बिल्कुल, ये देखो देखो देखो, हो तो गया, और ए सी जो है ना वो मुझे ए बी के गिवन है पहले से ही, देख तो लो ये ऊपर, ये देखो ये मुझे गिवन है, तो ये तो हो गया, हो गया फिर तो, ये क्वेश्चन काफी इजी हो गया। चलो आगे करते हैं, तो ये हो जाएगा डी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा टू ए बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी बी डी, है ना, अभी इन दोनों को ले लो राइट हैंड, वही तो प्रूफ करना है, तो ये हो जाएगा टू ए बी, मैंने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा ए बी प्लस, ये हो जाएगा मेरा बी डी, और यही मुझे प्रूफ करना था, तो ले देखो बच्चों, ये हो गया मेरा बहुत इजी, ये प्रूव हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, और इसका सेकंड पार्ट देख के हम 26 जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली है, तो मैं चाहता हूँ वो आप खुद करना, तो ठीक है। अब बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन, अब इसको देखते हैं हम, तो मुझे ये डायग्राम गिवन नहीं था, ए बी सी मेरा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और बी सी पे कहीं डी प्रोड्यूस्ड है, तो मैंने यहाँ पे कहीं प्रोड्यूस कर दिया डी को, और मैंने फिर क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्ट किया मैंने ए पी को, ए पी कंस्ट्रक्ट किया मैंने बी सी परपेंडिकुलर के, ठीक है, ए पी मैंने कंस्ट्रक्ट किया। अब मुझे प्रूव ये करना था, अब देखो ध्यान से, ए डी प्रूव करना, तो मैं ए डी कहाँ है, ए डी, ए डी है भाई, तो ये देखो ए डी को मैं लेता हूँ, ए पी डी ले लेता हूँ ना, मैं ए पी डी लूंगा इन ट्राइंगल, ए पी डी ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ मैं, तो देखो ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो, इस पी डी के जगह मैं लिख सकता हूँ, देखो पी डी के जगह लिख सकता हूँ मैं क्या, पी डी के लगा सकता हूँ मैं पी सी प्लस डी सी, देखो पी सी प्लस सी डी, ये लिंक पी डी के जगह पूरा नहीं लिख सकता, ये देखो ये और ये, बस ये तो लिखना, तो देखो ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी का स्क्वायर प्लस पी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, भाई ये लिखना है, इसको खोल दो यार आप, इतना तो खोल ही सकते हो, तो देखो ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस टू पी सी सी डी, ठीक है जी, इतना हमारा हो चुका है, ठीक है जी। अब इसको यहीं पे छोड़ देते हैं भाई, ठीक है, इसको हम यहीं पे अभी विराम देते हैं, और इसको विराम देने के बाद इसको मैं पेज निकाल लेता हूँ, नया पेज चाहिए मुझको, तो मैं यहाँ से पेज निकाल रहा हूँ, और इसको मैं एज इट इज यहीं रख रहा हूँ, ठीक है जी, इसको आप ऐसे ही देखते रहो आप अभी, ठीक है जी, इसको पेज निकाल देता हूँ। अच्छा अब इसको ऐसे ही देखो आप, अब मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ ट्राइंगल ए पी सी, ए पी सी ये वाला ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल ले रहा हूँ ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में देखो मैं क्या करने वाला हूँ, जो ए सी का स्क्वायर है वो है मेरा ए पी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर, ठीक है भाई, ठीक है जी। और ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अब क्या करा जाए इस पे, ए पी सी, ए पी सी मैंने लिया, तो ए पी सी मैंने ए सी का स्क्वायर, ठीक है, ए पी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर, ठीक है जी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो भाई देखो मैंने ट्राइंगल लिया, और देखो ए सी का स्क्वायर होता है ए पी का स्क्वायर प्लस पी सी के स्क्वायर के बराबर, है ना,
और देखो ध्यान से, पी सी प्लस सी पी सी पी सी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, ये देखो ये भी है देखो, तो मैं इसके जगह लिख सकता हूँ, देखो ए डी का स्क्वायर इक्वल टू लिख सकता हूँ ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस टू पी सी और सी डी, है ना, मैंने ये लिख लिया। अच्छा अब इस पेपर का काम मेरा हो गया, अब मैं यहाँ से इसको आगे प्रोसीड करता हूँ। अब ध्यान से देखो, ये जो पी सी है ना, इस पी सी की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/2 बी सी। अब जहाँ पे पी सी है वहाँ पर 1/2 बी सी लगा लो, है ना। तो देखो अब ये हो जाएगा मेरा ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस 2 × 1/2 पी सी है, मतलब पी सी मतलब बी सी, 1/2 हाफ बी सी और सी डी, तो ये कट जाएगा। और फिर ये आ जाएगा मेरा ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी सी डी, है ना। और मुझे ये एक बात अच्छे से पता है कि भाई ये दोनों देखो सी डी, इसमें मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा ए डी का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ये ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी, मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो हो जाएगा सी डी, मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो ये हो जाएगा सी डी प्लस बी सी, है ना भाई। हो गया भाई ये तो, हो गया क्या ये, हाँ हो गया, बिल्कुल हो गया। तो जो ए डी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी, सी डी और सी डी प्लस बी सी, सी डी प्लस बी सी होगा मेरा, सी डी प्लस बी सी होगा मेरा बी डी, तो बस बी डी लिख दूंगा मैं यहाँ पर। और ये देखो ये मेरा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो बच्चों देखो ये था मेरा पाइथागोरस थ्योरम, पूरा कंप्लीट हो चुका है, और मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, ठीक है, और प्लीज़ अपने दोस्तों पे ये सेंड करें, ताकि जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों के लिए मेंसुरेशन और टिग्नोमेट्री अच्छे से करा पाऊँ। तो अब मैं, अब इसके जो आज मैं नेक्स्ट है, जो आज ही मैं आज शायद मेंसुरेशन का इंट्रोडक्शन डालूंगा और टिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन भी आज ही डाल दूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू।